एपोमिक्सिस यानी असंग जनन, ठीक है। तो देखिए एपोमिक्सिस होता क्या है, तो वह प्रोसेस या घटना, ठीक है, जिसमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान पूरी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लेता है, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। जैसा हम जानते हैं रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लांट में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, मगर कुछ कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान पूरी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लेता है, तो उस घटना को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद बीजों का निर्माण होता है, परंतु कुछ प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज पैदा करने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी कि अगर उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कौन रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड पैदा होते हैं, यानी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे सूर्यमुखी कुल के कुछ पौधे तथा घास, इनमें क्या होता है, एपोमिक्सिस की घटना होती है। अगला टॉपिक है हमारा सीड, ठीक है। तो सीड यानी बीज, जनरली सब कोई जानते हैं कि बीज क्या होता है, कैसा होता है। अगर बीज को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बीज या सीड एक परिपक्व बीजांड यानी ओव्यूल यानी मैच्योर ओव्यूल है, जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। यानी कि हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जब एक ओव्यूल मैच्योर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो क्या बनाता है, सीड, ठीक है। तो बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियां जैसे जल, वायु, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर क्रियाशील होता है, ठीक है। तो सीड बनता कैसे है, तो सीड बनता है जब ओव्यूल मैच्योर होता है, और कब, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल मैच्योर होता है तो बनता है सीड, ठीक है। जैसा हमने पहले पढ़ा है क्लास में कि ओव्यूल मैच्योर होकर बनाता है सीड और ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती हैं, ठीक है। तब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि बीज का निर्माण होता क्या। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स यानी बीज का निर्माण, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल चेंज होकर एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल चेंज होकर एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसे हम सीड कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद न केवल एंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो में ही परिवर्तन होता है, बल्कि ओव्यूल के अन्य भागों में भी परिवर्तन होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंडोस्पर्म में कैसे परिवर्तन होता है और एम्ब्रियो में कैसे परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे कि ओव्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर में कैसे परिवर्तन होता है। तो स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट जो होता है वो किस में चेंज होता है, तो इंटेगुमेंट का दो लेयर होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो लेयर होता है वो चेंज होकर टेस्ट्रा बनाता है, इंटरनल जो लेयर होता है वो टेगमेन बनाता है। उसी तरह न्यूसेलस वो क्या होते हैं, वो प्रायः नष्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल जो है वो चेंज होकर सीड स्टाल्क बनाता है। रैफे है, रैफे ही बनाता है। चैलेजा, चैलेजा भी
परिवर्तन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद चैलेजा ही बनाता है। माइक्रोपाइल चेंज होकर माइक्रोपाइल बनाता है, हाइलम चेंज होकर हाइलम बनाता है, और एक सेल चेंज होता है तो वो कॉटिलेडॉन बनाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीज पत्र। इसके अलावा सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनाते हैं, एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं और सिनर्जिड सेल्स भी नष्ट हो जाती हैं।